हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ बुर्ज खलीफा। आखिरकार बहुत दिनों का इंतज़ार आज ख़त्म हुआ। आज फाइनली मैं अपने दोस्तों के साथ बुर्ज खलीफा जाने के लिए वक्त निकाल दिया। और ये है मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे मुझे नया मेट्रो कार्ड बनाना है। यहाँ पे 25 दिरहम्स लगता है एक मेट्रो कार्ड बनाने के लिए। तो अभी मैं क्यू में लगी हूँ, मेट्रो कार्ड बनाऊँगी। उसके बाद जो है हम मेट्रो से बुर्ज खलीफा जाएंगे। सो ये यहाँ पे जो है एलिवेटर पे मैं जा रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ। सो मेरे दोस्त लोग हैं मेरे साथ और हम जा रहे हैं घूमने के लिए। अब ये है मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे क्लोज्ड होता है मेट्रो स्टेशन, इंडिया के जैसा ओपन नहीं होता है। यहाँ पे ग्लास डोर्स होते हैं। तो अभी मैं मेट्रो में बैठ चुकी हूँ। ये दुबई फ्रेम दिख रहा है यहाँ से। और यहाँ पे जो है ट्रेन बहुत स्पीड जा रही है, मेट्रो ट्रेन। हम लोग नज़ारा भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। बैठने के लिए तो जगह नहीं था क्योंकि मेट्रो ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी। अब हम मेट्रो ट्रेन से उतर के, ये जो है ये काफ़ी लंबा रास्ता है जिसमें हमें चलना नहीं पड़ेगा। ऐसा सुविधा है कि हम लोग, ये एक जो है ऑटोमेटिक एलिवेटर है जहाँ पे खड़े होकर हम लोग जा सकते हैं। क्योंकि ये काफ़ी दूर है, बहुत दूर है मेट्रो स्टेशन से। हमें जो दुबई मॉल तक का ये रास्ता ऐसे ही है, करीबन 20 मिनट समय यहाँ पे गुजारने के बाद फिर हम दुबई मॉल के अंदर एंटर किए। और ये रहा एंट्रांस। यहाँ पे काफ़ी तरह की जो है चीज़ें बिक रही हैं। यहाँ पे एक आइसक्रीम भी जो है, आप ये आइसक्रीम काफ़ी फेमस होगा। सो ये जो है कुछ शायद अमेरिकन से जो यहाँ पे आइसक्रीम्स को डिफरेंट तरीके से खाने का मज़ा है, आप देख सकते हैं। मैंने भी काफ़ी मज़ा लिया क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि उनका जो आइसक्रीम देने का तरीका है काफ़ी डिफरेंट है। आजकल ये इंडिया में भी फेमस हो गया है। आजकल इंडियन में भी ये सब चल रहा है अभी। यहाँ पे अरबिक ड्रेसेस, नेकलेसेस, चूड़ी, बैंगल्स है। काफ़ी फॉरेनर्स हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। तो इंटरनेशनल दुबई मॉल, ये बहुत ही बड़ा मॉल है दुबई का। यहाँ पे जो भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। और यहाँ पे चीज़ें जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है। यहाँ पे देखिए गिफ्ट सेट भी है बच्चों के लिए, चॉकलेट्स है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये देखिए टोटल जो है ये दुबई मॉल का अंदर का हिस्सा है। यहाँ पे पैर पहले दर्द हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है, सिर्फ अंदर इतना जगह है घूमने के लिए कि घूम घूम के पैर तो थक ही जाते हैं। मैं आज जानबूझ के जो है हील्स नहीं पहने हैं, स्लीपर पहने हैं, ताकि मैं आराम से घूम सकूं और ये दुबई मॉल का मज़ा ले सकूं। देख सकते हैं आप कितने सारे फ्लोर्स हैं। सो हम लोगों ने आज तो बुर्ज खलीफा जाना है, इसलिए हमने मॉल में ज़्यादा वक्त नहीं गुजार के बुर्ज खलीफा के पास पहुंच गए। ये रहा बुर्ज खलीफा। अभी एक वाटर फाउंटेन का शो होने वाला है, हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है। और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। ये बाहरी हिस्सा है दुबई मॉल का। और यहाँ पे सामने में वाटर फाउंटेन है, आप देख सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है। यहाँ पे हर दिन भीड़ रहता है। हम लोग रैंडम डे पे आए हैं ऐसे ही, जो वीकेंड नहीं था, नॉर्मली सैटरडे था। और ये देख सकते हैं अभी ये वाटर है, यहाँ पे वाटर फाउंटेन स्टार्ट होगा। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, आप लोग भी देखिए। कभी भी मौका मिलेगा तो दुबई ज़रूर आइए और बुर्ज खलीफा तो ज़रूर देखिए, क्योंकि रियल ये बहुत ही बड़ा जो है हाईएस्ट और टॉलेस्ट बिल्डिंग बोल सकते हैं वर्ल्ड का। और यहाँ पे हर दिन काफ़ी भीड़ होती है। ओके, यहाँ वाटर फाउंटेन स्टार्ट हो गए।
चलो एंजॉय करते हैं। चादर बांध दी। कौन जा रहा? सो वाटर फाउंटेन के बाद ये आई लव दुबई यहाँ पे लाइट से भरा हुआ है। यहाँ फिर आगे हम लोग द बिगेस्ट एक्वेरियम ऑफ दुबई मॉल। यहाँ पे बहुत तरह की मछलियाँ हैं, शार्क हैं, छोटे छोटे मछली हैं जैसे कि समुंदर में रहते हैं। तो यहाँ पे अंदर जाने का भी है लेकिन हम लोग बाहर से देखें क्योंकि हमारे पास काफ़ी वक्त कम था। हम लोग को ऑलरेडी आके 1 घंटा हो चुका है और दुबई मॉल घूम के भी 1 घंटा हो चुका है। तो फिलहाल हम अभी फिर जाने में भी हमें 2 घंटे का समय लगेगा, इसीलिए हम बस बाहर से व्यू लिए हैं। कभी फिर आएंगे तो हम अंदर का व्यू भी ज़रूर मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। ओके अब चल रहे हम लोग एग्ज़िट के तरफ। ये मुझे कार्टून दिखा, बहुत अच्छा लगा। ये मेरी दोस्त है जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, कली एक वीडियो में इसके साथ भी बनाई, इसने मुझे हाय बोला। ओके काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। ओके अब हम एग्ज़िट के तरफ जा रहे हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन और फिर हम घर निकलेंगे। तो बहुत अच्छा लगा दुबई मॉल, पूरा तो घूमने नहीं हुआ क्योंकि ये घूमने के लिए ही काफ़ी वक्त लगेगा पूरा मॉल घूमने में, काफ़ी बड़ा मॉल है। ओवरऑल लुक मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे शॉपिंग क्लॉथ सब कुछ है इंटरनेशनल लेवल के और काफ़ी हाई प्राइस वाले हैं, स्वीट्स हैं अभी सब कुछ है। तो अभी मैं वापस जा रही हूँ, काफ़ी टायर्ड लग रहा है लेकिन दोबारा ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।